गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर फोर एक्सरसाइज चैप्टर फोर फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 4D. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट टर्म्स. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, हाउ वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, द फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस विल हेल्प यू टू मेक अ बेस ऑफ द हाउ टू मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शंस. ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि फ्रैक्शंस को एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो यू हैव टू थिंग्स, ईदर यू मल्टीप्लाई देम ऑल एंड देन कन्वर्ट टू द लोएस्ट टर्म्स, ओके, और ईदर यू फर्स्ट ट्राई टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बाय द कॉमन फैक्टर अगर हैं एंड देन मल्टीप्लाई. मीन्स नाउ लुक हेयर, 6 and 8, इट हैज़ द कॉमन फैक्टर्स. 6 और 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2, विच मीन्स 6 comes at 3 एंड 8 comes at 4. 3 and 4 के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. 20 और 6 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 20 and 6 के कॉमन फैक्टर्स हैं 2. 20 comes at 10 एंड 6 comes at 3. सो आई एम लेफ्ट विद 3 by 4 into 3 by 4 into 10 by 3. Now what I will do, I'll multiply all the numbers. अब मैं सारे numbers को multiply कर दूँगी. So 3 into 3 is 9, 9 into 10 is 90, 4 fours are 16, 16 into 3 is 48. Now what you can do is you can just डिवाइड देम. आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है सबसे पहले, तो वो आएगा 45 पे एंड दिस विल कम एट 24. नाउ इट केम एज 45 and 24. अभी भी देयर इज़ अ स्कोप, इट हैज़ अ कॉमन फैक्टर एज 3. इसका कॉमन फैक्टर अभी भी है 3. ये सब कॉमन फैक्टर्स कैसे पता चलेंगे? डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो. इधर यू कैन चेक इट बाय द टेबल्स आल्सो. लाइक 45 यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट द 3 के टेबल में, आप नहीं फाइंड कर पाओगे. सो इन दिस केस यू विल चेक द डिविजिबिलिटी रूल. सो 4 + 5 is 9, 2 + 4 is 6. 6 and 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, विच मीन्स अभी भी स्कोप है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का. सो इट कम्स एट 15 एंड दिस कम्स एट 8. So my final answer is 15/8. My final answer is 15/8. Okay, let's just do B part. That is 5 into 3 by 20 into 1 into 1 by 2. So in this case, first of all, let's just convert the numbers into the proper fraction. So 5 can be written as 5 by 1 into 3 by 20 into 1, 2's are 2, 2 plus 1 is 3. So 3 by 2. Now I don't find any common factors of the numerator and denominator. So in this case, what I will do, I'll simply multiply the numbers. So 3 3's are 9, 9 into 5 is 45, whereas 2 into 20 is 40. What are the common factors? 45 or 40 ke common factors kya hai? 5, means 45 comes at 9 and 40 comes at 8. So my final answer is 9/8. And I can even write it in the mixed fraction also. How we can write in mixed fraction? कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? इफ आई राइट इट मिक्स फ्रैक्शन, सो इट विल कम एज 1/1/8, विच मीन्स 1 into 8 is 8, 8 + 1 is 9, 9/8. Then let's just take another part, C part. C part is 1/1/2 of 50 kilometers. यू नो वॉट ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. मीन्स आपको 50 किलोमीटर का इतना पार्ट निकालना है, विच मीन्स
1 × 2 is 2 + 1, 3/2 of 50 km, which can be written as 3/2 × 50, which means 3/2 × 50/1. अगर कोई नंबर नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, इट मीन्स डिनोमिनेटर इज 1. सो अब मैं इसे सॉल्व करूँगी. सो आई विल गेट 150/2. कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर देखूँगी. सो आई विल गेट 75/1, विच मीन्स 75. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. आपको क्या करना है बेसिकली, यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शंस है. या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. इफ़ नॉट, व्हाट यू कैन डू इज आप उसको पहले कोशिश कर लो, अगर कॉमन फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, सो दैट जो मल्टीप्लीकेशन हो वो छोटे नंबर्स की हो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू मल्टीप्लाई. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स जस्ट डू द डी पार्ट. इन डी पार्ट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई हैव 2/15 × 1/4 = 4, 4 + 2 = 6/4 × 3/2. So now I have two options, either to multiply first and then convert to the simplest form, or first I'll find out if there is any scope of converting to the simplest form, so I will do it. Suppose 6 and 2, they have the common factors 2, means 3 and 2. So now my fraction is 2/15 × 3/2 × 3/2. I'll multiply this. 2 × 9 is 18. Over 2 × 4, 4 × 15 is 60. So when I'll find out, I'll convert into the simplest form, I will 6 and this will come as 20, which can again be converted into the 3/10. So it will be 3/10. This is my final answer. E part, 24/18 × 15/12 × 18/4. ये नंबर्स हैं, ठीक है. अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इन दिस केस आई विल कन्वर्ट दी नंबर्स फर्स्ट. पहले मैं क्या करती हूँ, आई विल फाइंड आउट कि कितने डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स हैं. सो इन दैट केस 24 and 18, 6 कॉमन फैक्टर है, so it comes at 3 and this comes at 4. 15 and 12, 3 common factor hai, this comes at 5 and this comes at 4. 18 and 4 common factor hai, 2 common factor hai, this comes at 9 and this comes at 2. Now I will write it as 4/3 × 5/4 × 9/2. Ab main kya karungi, I'll multiply them. So 4 × 5 is 20, 20 × 9 is 180, 3 × 4 is 12, 12 × 2 is 24. Here what is a common factor, isko simplest form mein karu to this comes at 4 and this comes at 30, and again 30 and 4 can be, this comes at 2 and this comes at 15. So my final answer will be 15/2, which can be written in the mixed fraction also. Mixed fraction में लिखूंगी तो 14/1/2. This will be my final answer. This is my final answer. Then we have F part. F part is 1/3 × 1/2 × 2 × 2 = 5. So in this case पहले इसको convert करूँगी, which means 1/3 × 1/2,
इंटू 2 5 10 प्लस 2, 10 + 2 इज 12 ओवर 5. नाउ आई विल मल्टीप्लाई दी ऑल द नंबर्स विच मीन्स 12 ओवर 3 2 6, 6 इंटू 5 इज 30. सो हेयर कॉमन फैक्टर्स आर 2 ओवर 5. 6 की टेबल से जाते हैं ना, 2 जा पे एंड 5 जा पे. सो माई फाइनल आंसर इज 2 ओवर 5. आई होप दिस मच इज क्लियर विद एवरी वन. द रिमेनिंग पार्ट्स जी एच आई जे के एल, 6 पार्ट्स आर योर होमवर्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच श्रेया यूजेस 1/5 meter ऑफ ए रिबन टू मेक अ रोज. वो एक रोज बनाने के लिए कितना रिबन यूज करती है. शी यूजेस 1/5 meter ऑफ ए रिबन टू मेक अ रोज. शी मेक्स 30 सच रोजेस. कितने रोजेस बनाती है, 30. जब एक के लिए इतनी क्वांटिटी लगती है, सो 30 के लिए कितनी लगेगी. आई विल मल्टीप्लाई विथ 30. सो हाउ मच रोज रिबन डिड श्रेया यूज इन ऑल. सो फॉर दैट आई विल मल्टीप्लाई 1/5 विथ 30. रिबन यूज्ड टू मेक वन रिबन, वन रोज इज इक्वल्स टू 1/5 meter. रिबन यूज्ड टू मेक 30 रोज इज इक्वल्स टू 1/5 × 30. एक के लिए इतना यूज होता है, तो 30 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट आई विल गेट हेयर, कंसिडर इट एज 1. सो 30/5, विच मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर हेयर, 1 and 6, सो 6 meter. माई आंसर विल बी 6 meter रिबन will Shreya used in all. उसको एक रोज के लिए इतने मीटर रिबन चाहिए, तो 30 के लिए कितना चाहिए होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सपोज अगर मैं एक बच्चे को 2 चॉकलेट्स दे रही हूँ, तो मैं 30 बच्चों को कितनी चॉकलेट्स दूंगी. सो आई विल मल्टीप्लाई 2 × 3, सो आई विल गेट माई आंसर. सेम वे आई हैव डन दिस, एक रोज के लिए इतना मीटर, सो 30 रोज के लिए मल्टीप्लाई बाय 30, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. इट सेज मदर टेक्स 1/2 hours टू पेंट अ डोर. इफ ही हैज पेंटेड 3 डोर्स इन ऑल टुडे, व्हाट टाइम डिड ही स्पेंड इन पेंटिंग. एक डोर को पेंट करने के लिए इतने घंटे लगते हैं, इतने आवर्स लगते हैं, तो 3 डोर्स को करने के लिए कितने लगेंगे, 3. आप एक नोटबुक, एक सब्जेक्ट को लर्न करने में इतनी देर लगाते हो, तो अगर आपको वैसे 3 सब्जेक्ट्स लर्न करने होंगे, तो 3 टाइम्स लगाओगे. जितना भी टाइम है एक पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है, 3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा. सो विच मीन्स टाइम taken to paint one door. एक डोर को पेंट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1/2 hours, which means 1/2 = 3/2 hours. कितने घंटे हो गए, 3/2 hours. Now time spent to paint 3 doors. So in that case 3 × 3/2, which means 3/1 × 3/2. जब इसको सॉल्व करोगे, सो विल गेट 9/2. सो ही टेक्स 9/2 hours to paint the
three doors. Okay, so now again here I have written 9/2, which means this needs something else. क्यों? Because in my question it is written in the mixed fraction. जो मेरे question में term use हुई है that is written in the mixed fraction. उसको mixed fraction मिल गया. So we will also try to write our answer in the mixed fraction. This is not wrong. This answer is not wrong. What I am trying to say is that if you write it in the mixed fraction, it will shows how much you have understand, how better in a how better way you have understand. कितना अच्छे से आपको समझ आया ये show करेगा. So in that case, what you can do is you can convert your 9/2 into the mixed fraction. So for that you will divide 9/2. So 8 will come, 1 will be the remainder. 8 comes at 4. So 4 into 1/2. My answer will be Mudit takes 4 1/2 hours to paint the 3 doors. Okay. I hope this is clear with everyone. Next, fourth question. So fourth question is Sulekha ate 1/8 kg of a cornflakes in a week. She eats this much quantity in 1 week. Ek hafte mein in 1 week she eats 1/8 kg of a cornflakes. If she eats it regularly, agar wo regularly khati hai in a month, so how much quantity, how much fraction of the cornflakes she eats? Agar wo roz khati hai एक महीने तक, सो कितनी क्वांटिटी यूज खाएगी वो. सो द क्वांटिटी इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ 1 week के हिसाब से दे रखी है. एंड इन 1 month, एक मंथ में 4 weeks होते हैं. सो सुलेखा ईट्स कॉर्नफ्लेक्स इन 1 week इज इक्वल्स टू 1/8 kg. कितने कॉर्नफ्लेक्स खाती है 1/8 kg इन 1 week. सुलेखा ईट्स कॉर्नफ्लेक्स इन 1 month, विच मीन्स 4 weeks. सो वॉट आई विल डू 1/8 इंटू 4, which can be written as 1/8 into 4/1, which means 4/8, इसको convert करूँगी so I'll get 1/2 kgs. So how much quantity she eats? She eats 1/2 kgs. So you'll write again, she eats 1/2 kg of cornflakes in a month. How much quantity she eats in a month? She eats 1/2 kg of a cornflakes in a month. एक हफ्ते में इतना खाती है, तो 4 हफ्ते में कितना खाएगी? I will multiply by 4. Why 4 weeks? क्योंकि एक मंथ में 4 weeks होते हैं. ठीक है. सो दैट सॉल्व फॉर योर एक्सरसाइज. होमवर्क फॉर दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4D इज क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर GHIJKL. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस एक्सरसाइज GHIJKL. Though I am going to share the answers with you, but I want you to try it on your own. Okay, so till that time just watch the videos and try the homework on your own. I'll share the answers at the end of the chapter. So that's all for today. Thank you and take care.